11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू किया गया है, जिसके बाद पूरे देश में जहां एक तरफ जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन बुधवार को CAA पर एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हजारों की संख्या में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी रहते हैं। CAA लागू होने के बाद उन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि CAA लागू होने से देश असुरक्षित होगा, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, करदाताओं का पैसा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर खर्च करना उन्हें स्वीकार्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि BJP से पूछिए, जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे। CAA के कारण जो पलायन होगा वो विभाजन के दौरान हुए पलायन से भी बड़ा होगा। वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं तीनों देशों के मिला के, अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहाँ बसाएंगे, उनको कहाँ रहने की जगह देंगे, वहां उनको जॉब्स कहाँ से देंगे, नौकरियां कहाँ से देंगे, घर कहाँ से आएंगे। तो जाहिर तौर पर जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए वो रोजगार तो वो ले जाएंगे, और जो इतने सारे इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के, मैं हिसाब लगा रहा था अगर 1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक CAA के कानून से होने जा रहा है। CAA पर दिए उनके बयान पर घमासान मच गया है और ये बयान अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबतें ले आया है। हिंदू शरणार्थी भड़क गए और गुस्साए शरणार्थियों ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर इसका विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाएं बच्चे भी नजर आए। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए केजरीवाल के घर के सामने रोक कर रखा है। हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि केजरीवाल का बयान गलत है, उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत है, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस सब के बाद कई BJP नेताओं ने केजरीवाल पर पलटवार किया। BJP सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि CAA का विरोध करके अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया है कि वो हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। CAA कानून का मतलब है नागरिकता दीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल झूठ और नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि CAA के तहत शरणार्थियों को केजरीवाल की तरह राजमहल नहीं मिलेगा, उन्हें PM आवास योजना के तहत आवास मिलेगा क्योंकि इस पर उनका अधिकार भी है। CAA के बारे में आप मुख्यमंत्री होते हुए फेक न्यूज फैला रहे हैं। CAA का मतलब है कि जो 31 दिसंबर 2014 के पहले इस देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से वो लोग जो वहां बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, जिनकी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा था, जिनके जीवन जीना दूभर हो रहा था, उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए भारत में प्रवेश कर गए और वो यहां दयनीय जिंदगी जी रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी सरकार ने CAA लाकर उनको नागरिकता देने का काम किया है और आप उनसे इतना नफरत करते हैं। फिलहाल राजनीति में वार पलटवार तो चलता रहेगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।